बॉलीवुड फिल्मों से न केवल एक हीरो ने बल्कि हीरोइनों ने भी अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता और अपनी अलग पहचान भी कायम की है। इस कड़ी में चाहे प्रियंका चोपड़ा हो, कंगना रनौत हो या फिर आलिया भट्ट, हर एक एक्ट्रेस ने अपनी एक्टिंग का लोहा बड़े पर्दे पर हमेशा मनवाया है। इन एक्ट्रेस ने अपने खास किरदार से दर्शकों के दिल और दिमाग पर ऐसी छाप छोड़ी कि दर्शक भी उन्हें उसी किरदार से जानने लगे। लेकिन कुछ एक्ट्रेस ऐसी भी रही है जिन्होंने अच्छी शोहरत और पहचान बनाने के लिए अपने नाम तक भी बदल लिए। आज हम आपको बताते हैं बॉलीवुड की उन मुस्लिम एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने हिंदू नाम रखकर हासिल की शोहरत। 50 और 60 के दशक में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों को अपना दीवाना बनाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस मधुबाला का असली नाम मुमताज बेगम था। बॉलीवुड में आते ही उन्होंने अपना नाम बदलकर मधुबाला कर दिया। मधुबाला को असली पहचान साल 1947 में आई फिल्म नील कमल से मिली थी। मधुबाला उर्फ मुमताज बेगम दिल्ली के एक मुस्लिम परिवार से संबंध रखती थी। बॉलीवुड फिल्म में एक्टर जितेंद्र की हीरोइन कही जाने वाली एक्ट्रेस रीना रॉय भी एक मुस्लिम परिवार से संबंध रखती है। रीना रॉय का असली नाम सायरा अली है। उन्होंने साल 1972 में फिल्म जरूरत से बॉलीवुड में एंट्री की। बॉलीवुड में कदम रखने के साथ ही सायरा अली ने नाम बदलकर रीना रॉय रख लिया। बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा रही तब्बू भी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती है। उनकी असली नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है। तब्बू ने साल 1985 में फिल्म हम नौजवान से बॉलीवुड डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी। फिल्मों में अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस आलिया भट्ट के बारे में एक राज उनके फैंस भी नहीं जानते होंगे। आलिया भट्ट भले ही नाम से हिंदू लगती हो लेकिन वह मूल रूप से मुस्लिम खानदान से ताल्लुक रखती है। आलिया भट्ट के दादाजी का नाम शिरीन मोहम्मद अली था। संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त भी मुस्लिम है। उनका असली नाम दिलनवाज शेख है और यह संजय दत्त की तीसरी पत्नी है। बताया जाता है कि मान्यता ने फिल्म में आने के लिए दिलनवाज शेख नाम बदलकर मान्यता रख लिया था। वह फिल्म गंगाजल में आइटम नंबर करके चर्चा में आई थी।